क्रिसमस की खुशी में देसी कुश्ती के का इनका किया गया। पहलवानों का कहना है कि इंतजामी अदम दिलचस्पी के बाद अखाड़े खत्म हो रहे हैं और मुआशी मुश्किल भी बढ़ रही हैं। मजीद तफसील जानेंगे राना आज़र नूर की इस रिपोर्ट में। रावी फुटबॉल ग्राउंड से मलहका कदीमी अखाड़े में मनकदा क्रिसमस दंगल में छोटे बड़े 20 देसी कुश्तियों के मुकाबले हुए। टाइटल मुकाबले में खुरम पहलवान ने अशरफ अच्छी को चित किया, जबकि दूसरे बड़े मुकाबले में दानिश और वसीम पहलवान का मुकाबला बराबर रहा। इवेंट के ऑर्गेनाइजर जमील पहलवान का कहना है कि इवेंट का मकसद नौजवान पहलवानों को सर दिखाने का मौका फराहम करना है। उन्होंने पहलवानों के लिए बेहतर इकदाम का मुतालबा किया। गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि ये जो हमारा उधर स्टेडियम मिंटो पर गिराया जा रहा है, तो अगर हमारे इस तरह के ये मेन स्टेडियम है वो ही गिरा दिए जाएंगे तो वो हमारे मुल्क की पहलवानी कहाँ जाएगी। मुकाबलों में शाहजवान पहलवानों ने कहा कि नौकरियां ना होने के बायस मुआशी मसाइल दरपेश हैं। जो दंगल हो रहा है ये हर रोज तो नहीं ना हो रहा है, कभी कभार या हफ्ते में एक बार होता है। हुकूमत को चाहिए की तरफ से दंगल वगैरह करवाएं ताकि पहलवानों की हौसला अफजाई की जाए। हमारा मुतालबा ये है कि हमें जो हुकूमत है वो हमें सपोर्ट करे और हमें मतलब कि महकमे में नौकरी रहे ताकि हमें ये जो हमारा ये शोभा है इसे और तरक्की मिले। पहलवानों का कहना है कि इकबाल पार्क में रेसलिंग स्टेडियम को खत्म कर दिया गया, जबकि रावी फुटबॉल ग्राउंड से मुलहका तारीखी अखाड़े को कई बार स्टेडियम बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन आज तक ये वादा वफा ना हो सका। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा राना आज़र नूर सिटी 2।